हाय, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट टाइम ब्लॉग। आज है 13 जून और आज हमें निफ्टी में ऑलमोस्ट 2.5% का एक डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है। जब निफ्टी ओपन हुआ उस समय भी करीब 2.25% से निफ्टी नीचे था। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें गैप डाउन देखने को मिला। हमने अपने क्लाइंट्स को पहले ही बताया था कि SGX निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे है, जिसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 से 2% तक का आज हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो गैप डाउन था ये 2.5% का था, बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा ज़्यादा का ही हमें एक फॉल देखने को मिला। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अराउंड 11:45 के करीब, तब निफ्टी 2.5% से ज़्यादा डाउन में ट्रेड हो रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में हमें 3% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। अगर हम रीजंस की बात करें तो जो मेन रीज़न है वो US मार्केट से रिलेटेड है। जब फ्राइडे को US मार्केट का इन्फ्लेशन का नंबर आया, जो कि वर्स एन एक्सपेक्टेशन था, बहुत ही गंदा नंबर आया, तो उस दिन तो US मार्केट में नंबर आने के बाद US मार्केट को पनिशमेंट मिल चुका था। लेकिन उसी का कास्केडिंग इम्पैक्ट हमें अपने इंडियन मार्केट को भी देखने को मिलने वाला था, ये हमें पहले से पता था। जिस कारण से ये हमने पहले एक्सपेक्ट करके रखा था कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। कुछ सोर्स से हमें ये भी पता चला है कि फेडरल बैंक फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक ला सकती है, जिस कारण से मार्केट में अभी फ्लक्चुएशन जो चल रहा है वो बना रहेगा। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है ज्ञानी जो हमेशा टॉप में जाके बेच दे और बॉटम में जाके खरीद सकता है। तो इस कारण से आपको हर फॉल में, हर एक छोटे छोटे करेक्शन में, आपको स्मॉल क्वान्टिटी में अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। इसी से आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो अगर ओवरऑल आज हम लोग 13th जून के मार्केट फॉल की बात करें तो लोअर GDP नंबर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, हाई रिसेशन हो गया, इन सब के कारण से आज हमें मार्केट में ये फॉल देखने को मिला है। आप ये मत समझिए कि ये फॉल अभी रुकने वाला है। मुझे लग रहा है ये 15,000 के नीचे हमारा मार्केट जा सकता है। इसीलिए आप छोटे छोटे क्वान्टिटी में अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आप एक्यूमुलेट करते रहे, किसी से आपका वेल्थ क्रिएट होगा। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो अभी फिर आप पैनिक सेलिंग ना करें, मार्केट्स के सिचुएशन को समझें, ट्रेंड्स को समझें, उसके बाद आप कुछ डिसीजन लें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट अनब्लॉग्ड, बाय बाय।